हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं पोकेमोन एंड द लास्ट विस्को। और इस गेम की लास्ट वीडियो में हम गए टोलेडो विलेज में, जहां पर हमने टोलेडो विलेज को पूरी तरह एक्सप्लोर किया था। और गाइस, मैंने लास्ट एपिसोड में इसने स्लगमा को कैप्चर किया था और इसी की वजह से मैंने यहां पर आगे का जो पाथ है वो ओपन कर लिया है। और अगर आपसे कोई याद होगा, यहां पर जो गेट था उसका लॉक बर्फ में जम चुका था, तो स्लगमा की हेल्प से मैंने यहां पर उस लॉक को मेल्ट कर दिया था, मतलब उसकी बर्फ को। और अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। वैसे और गाइस, मैंने शॉपिंग तो कर ली थी, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अभी वैसे मैंने थोड़ी ट्रेनिंग भी कराई है यहाँ पर हमने पोकेमोन्स की, मैं आपसे वो दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर देखते हैं, रूट 3 है ये वैसे, द आर्कटिक वे। ओके, और यहाँ पर एक रिवाइव है शायद से, वो जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, रिवाइव ही है, चलो काफ़ी बढ़िया, मुझे एक रिवाइव भी मिल गया। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक रिलैक्स कर रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, थोड़ा एरिया ऐसा ही है ये। ओके, यहाँ पर एक श्रूमिस मिला हमें। वेल, मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमोन पहले से ही है एक, तो मुझे लगता है मुझे इसे कैप्चर करना चाहिए। रन करते हैं अभी यहाँ से, बस ये रन करने दे यहाँ पर। ओके, रन करने नहीं दे रहा वो, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे फेंट कर सकते हैं वैसे। ओके, बर्फ थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम करेगी हमारे पोकेमोन्स के लिए, और थोड़े सामने वाले पोकेमोन्स को भी डैमेज पड़ेगा वैसे इससे। थोड़ा इंसिनरेट करते हैं यहाँ पर, मेरे को जाने तो नहीं देगा ये इस बिना बैटल किए। ओके, तो फेंट हुआ यहाँ पर ये, काफ़ी बढ़िया, और एक्सपीरियंस भी हमें काफ़ी अच्छा मिल ही गया थोड़ा बहुत। चलो निकलते हैं यहाँ से आगे अब। और यहाँ पर कुछ ट्रेनर बैटल्स भी हैं वैसे, जो कि हमें करने पड़ेंगे। ओके, चलो पहला बैटल हमारा, आई शो यू हाउ रियल पोकेमोन बैटल। ओके, देखते हैं चलो कितना रियल करेगी ये बैटल। ओके, दो पोकेमोन इसके पास। ओके, पहला पोकेमोन है श्रूमिस, वैसे अभी अभी हमने एक श्रूमिस हराया है। चलो ये तो काफ़ी आसानी से फेंट हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर फायर ब्लास्ट करूँगा। ओके, डैमेज तो काफ़ी अच्छा दे रहा है वैसे, वो भी बच गया वो थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, अभी फेंट हो जाएगा। ओके, बर्फ से मैं यहाँ पर स्लगमा को डैमेज क्यों पड़ रहा है पर, ये देख फायर टाइप पोकेमोन है वैसे, इसे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ना चाहिए था। ओके, फेंट भी हो गया यार, सर्विस का लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, बट अब हम उसे फेंट कर देंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टेलो है। ओके, यहाँ पर करेंगे विंग अटैक और अभी फेंट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर मेरे ट्रिको लेवल 16 को होने के बाद इवोल्व होने वाला था, बट मैंने उसे उस वक्त इवोल्व नहीं किया, बिकॉज मुझे लगा उसे वीडियो में इवोल्व करना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर डबल टीम सीख रहा है। ओके, मुझे नहीं सिखाना अभी, अरे मुझे नहीं सिखाना है। ओके, सो देखते हैं उसका अगला पकवान कौन सा होने वाला है। ओके, टेलो का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ रहा है। ओके, स्पीएल था ऐसे वो, अरे यार मेरा फायर टाइप पकवान फेंट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिवाइव का यूज़ कर लेता हूँ जो मुझे अभी मिला था, क्योंकि स्लगमा इसे हरा सकता है अलग मुझे लगता है। बट यार स्पीएल जो है वो एक वाटर टाइप पकवान भी है आइस टाइप होने के साथ साथ, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमें। ओके, वाटर रन कर रहा है वो। वैसे ये पता नहीं गेम फास्ट फॉरवर्ड कैसे होता है यार, काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है मुझे गेम। चलो यहाँ पर हम करेंगे अब एवल फोकस एनर्जी करके देखता हूँ एक बार में, हो सकता है हमें थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे पाएँ। ओके, 8 HP, अरे यार ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वैसे, उसका लेवल थोड़ा कम है वैसे देखा जाए तो टेलो से, तो अगर फेंट हो जाए तो। ओके, थोड़ा सा रहता है, अरे आइस बॉल कर दिया उसने, मुझे लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने पोकेमोन स्किल कराने के लिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आइस बॉडी, ओके चलो, अब तो इसे यहाँ पर हमारा स्लग मारा ही देगा। स्लगमा का थोड़ा लेवल अप हो जाए तो सही रहेगा यहाँ पर। ओके, ये आइस बॉल कर रहा है इस पर, अरे भाई इसे इतना डैमेज क्यों पड़ रहा है आइस बॉल से, ये तो फायर टाइप है। ओके, लेवल अप तो नहीं हुआ, बट चलो कोई बात नहीं, हमने सरा तो दिया कम से कम। सो गाइस, मैंने अपने पोकेमोन्स यहाँ पर हील करा लिया है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ और बैटल्स हैं यहाँ पर, बट मैं सोच रहा हूँ मैंने ऑफ वीडियो कर लेता हूँ अभी के लिए, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मतलब कैसे यहाँ पर बैटल में ट्रिको का लेवल अप हो गया और ये अभी इवोल्व हो रहा है यहाँ पर। फाइनली मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था वैसे इस मूवमेंट का, जब मैं इसे इवोल्व होते हुए देखूंगा। मैंने पहले से इवोल्व नहीं किया था, बट अब मैं इसे इवोल्व कर रहा हूँ फाइनली। और यहाँ पर ये बन चुका है ग्रो वाइल्ड, मैंने इसे एक नया मूव भी सीखा है परस्यूट। ओके, एक और नया मूव फ्यूरी कटर, वेल मैं इसका अब यहाँ पर कौन सा मूव हटाऊँ। फ्यूरी कटर वैसे काफ़ी अच्छा मूव है, और यहाँ पर मैं लियर का आजकल यूज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर अभी लियर हटाते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में देख लेंगे कोई और अच्छा मूव मिल जाए मैं कोई डिफेंस कम करने वाला। ओके, वैसे यहाँ पर मैं पहले अपने पोकेमोन हील कर लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पोकेमोन थोड़े बहुत पिट चुके हैं यहाँ पर बैटल में। मेरे पास पोशंस तो हैं वैसे काफ़ी, ओके 7 पोशंस पड़े हुए हैं। वैसे मुझे लगता है मुझे सुपर पोशंस बाय करने चाहिए, बिकॉज मेरे पोकेमोन्स की HP काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अब ज़्यादा, मतलब अब सुपर पोशंस यूज़ कर सकते हैं हम इन पर अब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और एक और बैटल मुझे लगता है करना पड़ेगा। अरे यार, ओके अरे यार मुझे लगा हम बच पाएंगे, बट अब बैटल करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, करते हैं यहाँ पर बैटल। 3 पोकेमोन्स इसके पास। ओके, पहले पोकेमोन इलेक्ट्रिक, वैसे मुझे लगा इसके पास आइस टाइप होंगे, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आ गया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर फायर ब्लास्ट करते हैं, और स्पार्क कर रहा है वो। ओके, डैमेज काफ़ी ज़्यादा था वैसे। ओके, हमारा डैमेज भी काफ़ी अच्छा था वैसे। चलो यहाँ पर मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा पोकेमोन को, बिकॉज मेरा स्लगमा फेंट हो सकता है यहाँ पर।
अगर वो इसी तरह मूव करता रहा तो ओके, काफ़ी अच्छी कम है वैसे उसकी और वैसे लगमा की भी। फिर ग्रोवाइल को बुलाते हैं यहाँ पर उसका पहला बैटल इवोल्व होने के बाद। ओके दोनों ग्रीन ग्रीन पोकेमोन्स। ओके इसने इसे पैरालाइज कर दिया, ये पैरालाइज बहुत कर रहा है, मुझे लगता है ऐसे ही फेंट हो जाएगा बर्फ से गिर पिट पिट कर। ओके मुझे लगता है मुझे ज़्यादा मूव यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्विक अटैक करने वाला हूँ वैसे इससे ही फेंट हो जाएगा ये, काफ़ी बढ़िया। ओके स्लगमा का लेवल अप हो गया यहाँ पर और ग्रोवाइल का लेवल अप होते होते रह गया थोड़ा सा। ओके देखते हैं अगला पकवान कौन सा होगा उसका, और अगला पकवान है हुटूट। वेल हुटूट के लिए मैं यहाँ पर नोरो को बुलाते हैं, इसके पास एक रोक टाइम मूव है। वैसे मैं यहाँ पर स्लगमा का यूज़ कर सकता था बट स्लगमा की एचपी काफ़ी कम है अभी, हम उसे थोड़ा रेस्ट देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। ओके रोक टूम करते हैं यहाँ पर और करते हैं उसे फेंट। ओके डैमेज और कन्फ्यूजन, अरे यार चलो कोई बात नहीं, डैमेज से ज़्यादा पड़ा नहीं वैसे, चलो फेंट हो यहाँ पर ये भी एक ही हिट में क्यों कर दिया इसे, तो लेवल अप भी हो गया इसका। ओके ग्रोवाल का लेवल अप हो गया आपकी बार, इसे डैमेज छुप रहा है यार, ये एक रोक टाइप पोकेमोन है और मैंने पोकेमोन नहीं देखा यार वो कौन सा भेज रहा है। ओके लास्ट पोकेमोन से स्वाइन अप, वेल स्वाइन अप के अगेंस्ट यहाँ पर देखते हैं मैटर को कितना डैमेज देगा है। ओके उसका कुछ खास डैमेज, इसका कुछ ज़्यादा ही डैमेज था मतलब की बार, तो मिस कर दिया उसने यार अटैक को। ओके एक बार और ट्राई करेंगे हम, अरे यार मैंने ट्राई क्यों किया फालतू में, मिल लगा ये कर देगा की बार अटैक बट इसने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं हम यहाँ पर चेंज करेंगे अभी। और टेलो को बुलाते हैं एक बार, टेलो देखते डैमेज दे पाएगा या नहीं से। वैसे यार स्वाइन अप भी एक आइस टाइप पोकेमोन है शायद से, आइस और नॉर्मल है वो। ओके पाउडर स्नो, बस ये फेंट ना हो जाए यार, फिर मुझे ग्रोवाइल का यूज़ करना पड़ेगा। ओके एक बार और विंग अटैक, ओके फेंट हुआ है फाइनली। और आपकी बार यहाँ पर टेलो का लेवल अप भी हो गया और देखते हैं मेरे पोकेमोन। ओके स्लगमा का लेवल अप नहीं हुआ आपकी बार, चलो ठीक है अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने वैसे पोकेमोन हिल कराना भी सही रहेगा या नहीं, चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे अभी हम। ओके सिटी आने वाली है बस, एंड एनी का सिटी है इससे आगे, और यहाँ पर कुछ हुआ है। ओके यहाँ पर एक जिराची आ गया, मतलब जिराची है यहाँ पर बेसिकली इसका मेन, इस गेम का मेन पोकेमोन। हे एंड्रयू आर यू, ओके यहाँ पर एकेडमी भी आ चुकी है वो, इज दैट जिराची, हाँ वैसे जिराची है ये। आई वेट दैट जिराचीज कैन ग्रांट विशेस and that they are only awake once every 1000 years. Jirachi cold, Jirachi need help. Okay, यहाँ पर ये लगता है Jirachi बात कर रहा है हमसे। Oh no, it says it's cold. We need to help it. Move out of the way. Okay, देखते हैं इसकी help कैसे करने वाली है। Hey, Jirachi, are you okay? Jirachi is freezing. Jirachi scared. Okay, यहाँ पर डर भी रहा है ये। It's okay, buddy. We are gonna help you. I'm gonna need you to slowly fly over to us, so we can take you to someone. Who will help? Okay. ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अब। ओके खुद ही आ रहा है यहाँ पर, जैसे इसे कहा यहाँ पर इसे खुद आना पड़ेगा उड़कर, बिकॉज अभी हमारे पास कोई ऐसा मूव मतलब ऐसा कोई पोकेमोन नहीं है जिससे हम वहाँ पर जा सकते थे। देयर यू गो एंड्रयू, विल यू टेक जिराची टू द पोकेमोन सेंटर? आई लेट प्रोफेसर प्लम नो एंड आई कम चेक इन ऑन यू गाइज लेटर, सी या। ओके तो यहाँ पर अभी हमें इसे लेके जाना है पोकेमोन सेंटर में। ओके देखते हैं नर्सो क्या रिएक्शन होने वाला है। ओह माय, इट्स एट अ जिराची, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बडी? जिराची इज फ्रीजिंग, ओह यू आर कोल्ड, सीम्स लाइक इट्स सफरिंग फ्रॉम अ फ्रस्ट वाइट। ओके यहाँ पर इसे कुछ ठंड वाली प्रॉब्लम हुई है। अनलेस यू कैन गेट इट इनसाइड अ पोकेबॉल, आई एम अफ्रेड वी डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट टू ट्रीट इट हियर, आई मीन देयर वॉज मोर आई कुड डू। जिराची कंफ्यूज्ड, ओके यहाँ पर हमें इसे पोकेबॉल के अंदर लेना होगा तभी हम इसे यहाँ पर हील कर सकते हैं। I have an idea. I'll take Jirachi to Professor Plum. He should definitely have the right equipment to treat Jirachi. You should continue filling your Pokédex. I'll let you know how it goes. Let's go. Okay, तो लैब असिस्टेंट यहाँ पर प्रोफेसर प्लम के पास लेके जाएगा उसे। वैसे मुझे भी अपने पोकेमोन सेल कराने थे यहाँ पर। वैसे हम एंटीसिस सिटी एनिक्यो सिटी में है या फिर अभी हम दोबारा ट्विन टाउन में आ चुके हैं? वैसे मुझे लगता है ट्विन टाउन ही है बिकॉज यहाँ पर आंटी जी बैठी हुई है पिछली बार की तरह। तो अभी हम चलते हैं वापस, लगता है वापस जाना पड़ेगा दोबारा ट्रैवल करके। वेट, आई थिंक यू शुड गो टू एनी गिवन सिटी, दे हैव अ ह्यूज स्टैचू ऑफ जिराची देयर, मे बी यू कैन लर्न मोर अबाउट जिराची देयर। ओके तो हमें एनी गिवन सिटी जाना है बेसिकली, हम पहले भी हम वहीं जा रहे थे। ओके तो यहाँ पर फाइनली एक पोकेमोन आ चुका है, एक दिस पोकेमोन जस्ट जंप्ड आउट ऑफ द वाटर एंड ट्राइड टू अटैक मी। वैसे अगर आपसे कोई याद ही होगा तो ये पहले भी हमें बता रही थी कि यहाँ पर पोकेमोन जंप कर सकते हैं इस लेक से, मतलब झील लेक या पाउंड जो भी है ये। तो यहाँ पर फाइनली एक टेंटाकूल आया है। समवन हेल्प प्लीज, यू ओवर देयर प्लीज हेल्प मी। ओके चलो इसकी हेल्प करते हैं अब।
इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए वैसे ये। और यार मुझे पोकेमोन चेंज करना चाहिए था, यहाँ पर फ्लगमा आ गया हुआ है और यहाँ पर इसका लेवल 12। ओके वेल मैं यहाँ पर रॉक थ्रो एक बार चेक करते जो रॉक थ्रो कितना डैमेज दे गए थे, बिकॉज वो एक वॉटर टाइप है तो मुझे लगता है कुछ इतना कुछ खास डैमेज आने वाला है नहीं आया इतना डैमेज। ओके पॉइजन स्ट्रिंग, ओके मुझे लगता है मुझे चेंज करना चाहिए पोकेमोन को, मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस पर वरना। ग्रोवाइल तो इसे आराम से हरा देगा वैसे। ओके सुपर सोनिक भाई कंफ्यूज मत कर बस। ओके यहाँ पर हम करेंगे मेगा ड्रेन और इससे हो जाएगा फेंट एक ही बारी में। चलो हो गया काफी बढ़िया। सो यहाँ पर फाइनली हमने एक और पोकेमोन हरा दिया है और ओह माय थैंक यू सो मच। आई न्यू देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दिस स्पॉन, आई शुड प्रोबेबली गो होम बट यू कैन हैव दिस एज अ थैंक यू फॉर सेविंग मी। ओके TM54 फॉल्स वाइफ मिला हमें यहाँ पर। Be careful when standing close to the water. If you stare at the water, a Pokemon might attack. Okay, तो यहाँ पर अगर हम इसे देखते रहेंगे लेक को मतलब इस पाउंड को तो यहाँ पर एक पोकेमोन आ जाएगा। चल देखते हैं कौन सा पोकेमोन आता है हमारे पास, बस दोबारा से वो टेंटाकून आ जाए। वैसे बिल्कुल ये फिजिंग करने की तरह हो गया बट हमें यहाँ पर बस देखना है खड़े होकर। ओके यहाँ पर देखते हैं कौन सा पोकेमोन आया। ओके एक मैजिक आप, वैसे मुझे लग रहा है वैसे मैजिक आप ही होंगे बिकॉज यहाँ पर अभी तो मैजिक आप ही आएंगे क्योंकि अभी काफी स्टार्टिंग में हम। अरे ये रन भी नहीं करने दे रहा भाई, चलो रन करने दिया इसने फाइनली। तो मुझे लगता है अभी हमें ऐसा निकलना चाहिए बिकॉज अभी हमारा मिशन है यहाँ पर आगे एंड निको सिटी चलना है हमें। तो कैसे मैं पहले वहाँ पर चला जाता हूँ उसके बाद हम मिलते हैं वहीं पर। सो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और एक सेकंड यहाँ पर एक बोर्ड भी ऐसे देख लेते हैं पहले। ओके रूट 3 का ये है, चलो। ओके सो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं निको सिटी में और यहाँ पर पहले पढ़ देते हैं सिटी के बारे में ये क्या मतलब किस तरह की सिटी है। Anikyo City blessed with the cold, known for Anikyo City training center. Okay, training center है यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या कर रही है? I tried looking for wild Pokemon here, but they don't seem to go past the gate over there. Okay. वैसे यहाँ पर एक बार चेक करते हैं यहाँ पर हमें Pokemon मिलेंगे या नहीं। There seem to be no Pokemon in this body of water. Okay, हाँ ये जमी हुई है तो मुझे लगता है यहाँ पर Pokemon होंगे। अभी हमें चलते हैं यहाँ पर और पहले Pokemon center पर चलते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ओके यहाँ पर ये कौन से Pokemon है? सैबली सीम्स मैड एट मावाइल। ओके ये सैबली और मावाइल है, देखने में काफ़ी अजीब लग रहे हैं। रिपेल्स की जरूरत नहीं है अभी मुझे। कैन आई आस्क यू समथिंग? ओके आई बोट माई मावाइल एंड सैबली फ्रॉम द नॉर्थ हेयर बट दे कैंट सीम टू गेट अलोंग। यू सी नॉर्थ पैसकन सैबली एंड मावाइल आर नेचुरल एनिमीज। वुड यू माइंड टेक वन ऑफ माई हैंड्स? यू सीम लाइक अ कैपेबल ट्रेनर। ओके चलो देखते हैं हम यहाँ पर हमें कौन सा पोकेमोन लेना चाहिए। वैसे वैसे मावाइल देखने में अजीब लग रहा है मुझे काफ़ी। मेरा मावाइल अगर मैं लूंगा तो वैसे शील्ड टाइप ही है मावाइल तो, और मेरे पास शील्ड टाइप पोकेमोन ऑलरेडी है। वेल मैं यहाँ पर सैबला लेने वाला हूँ, इसलिए सैबला ऐसा ऐसे डार्क और गोश्त था शायद वो अगर मुझे सही से याद है तो। वैसे सैबले काफ़ी अजीब है देखने में, लग नहीं रहा था सैबले है ये। ओके है तो सैबला ही नाम से बट दिखने में भाई सही में अजीब है काफ़ी। और ये फायर, ये डार्क और फायर है। ओके वैसे मुझे लगा ये डार्क और ये अलग वाला है लगता है, ये इस गेम का हो सकता है रीजनल फॉर्म हो और शायद मावाइल भी फिर अलग ही होगी क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी ग्रास टाइप लग रही है मुझे देखने में, हो सकता है ये ग्रास और स्टील हो। और अभी हम चलते हैं एक सेकंड यहाँ पर, ये क्या है? सुपर रिपेल। ओके पोकेमोन सेंटर कहाँ पर होगा यहाँ पर इसका? ओके यहाँ पर ये क्या है वैसे? ये पोकेमोन सेंटर नहीं है मुझे लगता थोड़ा थोड़ा देखने में। Yeah, you seem like a strong trainer. You should definitely participate in the tournament. Okay, tournament चल रहा है यहाँ पर। I'm just so excited for the tournament to start. I wish that I had a Pokemon so I could participate. Okay, my brother is participating in the tournament. I wish him good luck. He's been training his bugs for a good while now. Okay. और यहाँ पर हम आगे नहीं जा सकते अभी। ओके अंकल जी बैठे हुए यहाँ पर। ही सीम्स टू बी इन हिज ओन वर्ल्ड। ओके इज ही आर यू गोना कीप स्टेडिंग एट मी? ओके हम नहीं देखने वाले हैं अब। हेलो वेलकम टू द एनिक्यो सिटी ट्रेनिंग सेंटर। ओके ट्रेनिंग सेंटर है। वी आर करेंटली होल्डिंग अ प्री जिम इवेंट टूर्नामेंट। इट्स अ ब्रैकेट टाइप टूर्नामेंट। वी आर होल्डिंग टू टेस्ट आउट द मैकेनिक्स ऑफ द फ्यूचर। नॉर्थ पैसकन इज सेटिंग अप अ लीग चैलेंज एंड इनवाइटेड एनिक्यो सिटी टू सेट अप देयर ओन जिम। The winner of this tournament gets a chance to become the Anikyo City gym leader in a few years.
अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रेडी फॉर द टूर्नामेंट येट, प्लीज कम बैक लेटर, ओके। तो अभी यहाँ पर ये रेडी नहीं है और यहाँ पर एक बार जा सकते हैं हम, आई एम सॉरी बट ओनली पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड बैक, ओके। तो यहाँ पर हम जा नहीं सकते अभी, चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं यहाँ से अभी बाहर। वैसे यहाँ पर पोकेमोन सेंटर कहाँ पर है यार, मुझे पोकेमोन सेंटर जाना है अभी, ये क्या है वैसे? ओके ये है पोकेमोन सेंटर, यार यार कितना जीप बनाया हुआ है इन्होंने, देखने में लग भी नहीं रहा पोकेमोन सेंटर ये। सो यहाँ पर हमारे पोकेमोन सही हो जाएंगे और यहाँ पर हमें उस स्टैचू को देखना है वैसे, जिराची का जो स्टैचू है, हमें वैसे कुछ जानने को मिलेगा जिराची के बारे में। लिटिल इज नोन अबाउट द पोकेरस एक्सेप्ट दैट दे आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स दैट अटैच टू पोकेमोन, व्हाइल इन्फेक्टेड पोकेमोन आर सेड टू ग्रो एक्सेप्शनली वेल। ओके कुछ वायरस के बारे में बात कर रही है और यहाँ पर मुझे लगता है अपने पोकेमोन को भी यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आप सबको पता ही, मतलब यहाँ जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सेवले का लेवल कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर स्लगमा से, तो यहाँ पर मैं अपने स्लगमा को यहाँ पर डिपॉजिट करने वाला हूँ। अब काफ़ी अच्छा वैसे काम किया से मेरी टीम में कुछ टाइम के लिए, बट अभी मुझे इसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक सही नहीं, अभी भी स्लगमा को बाहर क्यों दिखा रहा है, वो चेंज हो गया यहाँ पर ये। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अभी हम किससे आगे करें वैसे, ओके यहाँ पर मेरे पोकेमोन नोरा सही है, चलो आगे के लिए अभी। सो यहाँ पर अभी हमें एक्सप्लोर करना है थोड़ा वो सिटी को, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमारा जिराची वाला स्टैचू जो भी है वो। ओके यहाँ पर ये कौन बैठा हुआ है, आई एम द पोकेमोन मूव मैकेनिक मैनिक, ओके आई नो एवरी सिंगल मूव दैट पोकेमोन लर्न ग्रोइंग अप। ओके 5,000 रुपये में यहाँ पर ये मूव सिखा रहा है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, निकलते हैं अभी, बाद में देखेंगे हम अगर हमें मूव सिखाना होगा तो। और देखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हुए थे, इन्हें देखते हैं एक बार क्या कर रहे हैं। इट इज़ वेरी ओल्ड, आई मीन बैक इन टोलेडो विलेज इट इज़ वॉर्म एनफ टू स्विम इन द रिवर, बट हेयर इट इज टू कोल्ड विदाउट अ जैकेट। ओके हाँ सर सही बात है, नीचे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक था मौसम और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। ओके यहाँ पर एक मावा लिख रहा है मुझे साइड में, देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। मावेल सीम्स अनइंटरेस्टेड, ओके अनइंटरेस्टेड है, और वहाँ पर कुछ लगता है वो एक रेयर कैंडी है उसके सामने, कोई बात नहीं चलो बाद में देखेंगे हम ये जब ही हट जाएगा वहाँ से। ओके यहाँ पर कैरन भी है, ओके और एक पोकीबॉल रखी हुई है, देखते हैं ये कौन सी पोकीबॉल है, डस्क बॉल लग रही है मुझे तो। ओके दो डस्क बॉल मिली है हमें यहाँ पर, चलो काफ़ी अच्छे, और यहाँ से निकलते हैं अभी बाहर, मैं बाद में देखूंगा उसे, पहले हम यहाँ पर सिटी एक्सप्लोर करेंगे। बर्ड्स ये बस बर्ड्स ही बोल रहा है, और यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहे हैं। माई लार्विटार इज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ जोटू एंड इज नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ कोल्ड, आई विश आई कुड जस्ट लीव दिस टाउन एंड हेयर टेक लार्वी विद मी, बट आई एम स्टंक हेयर, दिस इज गोना हर्ट, बट वुड यू माइंड टेकिंग हिम फ्रॉम मी। ओके यहाँ पर मुझे लगता है लार्विटार दिया इसने यहाँ पर, और से इसका नाम लार्वी रखा हुआ है। आई होप यू टेक गुड केयर ऑफ लिटिल लार्वी, ओके बोल्ड थीम, ओके चलो हमें एक थीम भी मिला यहाँ पर। सो देखते हैं यहाँ पर हमारा लार्विटर कितने लेवल का है, अगर अच्छे खासे लेवल, ओके लेवल 21, चलो काफ़ी बढ़िया भाई। पहले मुझे सैबले मिला यहाँ पर 20 लेवल का, और अब मुझे मिला है लार्विटार, उसके मूव्स देखते हैं एक बार कैसे हैं। वैसे मैं इसे रखने तो नहीं वाला अपनी टीम में, बिकॉज मेरे पास एक एरोन पहले से ही है। ओके सैंडस्टॉर्म स्क्रीच चीप अवे और रॉक स्लाइड, चलो ठीक है मूव्स हैं इसके वैसे, बट एक रॉक टाइप है और मेरे पास रॉक टाइप ऑलरेडी है एक, बस ग्राउंड टाइप नहीं है मेरी टीम में। वैसे काफ़ी सही है लार्विटार भी, एक बार मैं देखूंगा अगर मेरी टीम में सही फिट बैठ गया तो। ओके ये क्या कर रहा है यहाँ पर, डोंट लुक एट मी बट टेक दिस, 5 प्रोटीन दिए इसने मुझे, यू नेवर सो मी। ओके यहाँ पर चला गए कहाँ गए, और यहाँ पर एक केव भी है साइड में, बस हम इसे बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ पर देखते हैं इस तरफ क्या है। ओके ये क्या कर रहा है यहाँ पर, हेलो आई एम व्हाट पीपल कॉल द रेलिक मैनिक और रेलिक कलेक्टर, इधर वे आई बॉय एनी रेलिक्स यू हैव फॉर मी, ओह यू डोंट हैव एनी, हैव अ गुड डे। ओके यहाँ पर मेरे पास अभी कोई रेलिक वगैरह है नहीं, बिकॉज अभी मैं ऐसे कोई जगह गया नहीं हूँ यहाँ पर जो मुझे रेलिक्स वगैरह मिल जाए। इट्स वेरी अनकॉमन टू फाइंड ग्रास टाइप इन कोल्ड एरियाज बिकॉज दे नीड सनलाइट टू सर्वाइव, बट श्रूमिस एंड ब्रलूम कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर मशरूम पोकेमोन एंड देयर फॉर डोंट रिक्वायर मच सनलाइट। ओके यहाँ पर एक नीचे साइड लगता है कुछ फुल हिल पड़ा हुआ है गोल्डन कलर में। ओके मुझे मिल गया फुल हिल यहाँ पर एक, चलो चलते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ पर क्या है साइड में, ओके बिग मशरूम, एक मशरूम पोकेमोन की बात कर रहा था अभी, और यहाँ पर मुझे एक बिग मशरूम मिल भी गया। ओके यहाँ पर एक आंटी जी भी हैं, इनसे बात करते हैं एक बार क्या कर रहे हैं ये। सम फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा इंसुलेटिंग सेल वॉल्स, दे डोंट कंडक्ट हीट वेरी वेल सो द वाटर इनसाइड डज नॉट फ्रीज अप। ओके
और इस तरफ क्या है वैसे? और यहाँ पर ओके एक एवरस्टोन, चलो काफी बढ़िया एक एवरस्टोन मिल गया हमें। सो मुझे लगता है हमें यहाँ पर अपने मेन मिशन की तरफ फोकस करना चाहिए। पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट एन इवोल्यूशन फॉर पायलोसवाइन एंड स्नीजल, बट आई एम प्रीटी श्योर दोज आर जस्ट र्यूमर्स। हाँ वैसे जो पायलोसवाइन और स्नीजल है वो सिनोरीजर में इवोल्व होते हैं, फुली इवोल्व मतलब। ओके अब अपने मेन मिशन की तरफ चलते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर ऐसा है वो देखते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी है, द स्टैचू ऑफ द स्लम्बरिंग स्टार। ओके देखते हैं यहाँ पर कैरन क्या कर रही है। हे एंड्रयू, हाउ इज जिराची डूइंग? आई एम श्योर इट विल बी ओके। आई वॉज एक्चुअली जस्ट चेकिंग आउट दिस जिराची स्टैचू राइट हेयर। आई ऑल्सो बीन ट्रेनिंग अलॉट। आर योर पोकेमॉन एनी स्ट्रॉन्गर सिंस लास्ट टाइम वी बैटल्ड? हाउ अबाउट अ क्विक बैटल देन? ऑल राइट लेट्स डू दिस। ओके तो यहाँ पर बैटल करना है, देखते हैं वैसे इसके पोकेमॉन कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं पहले से। ओके पहला पोकेमॉन से कोई लावा है 20 लेवल का। ओके वैसे मेरे पास यहाँ पर पोकेमॉन्स हैं वैसे 21 लेवल तक के जो कि मुझे मिले हैं। मैंने यहाँ पर मैं करने वाला रोक टूम। ओके एम्बर कर रहा है वो, एरन के वैसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है एम्बर से, बट लगता है मुझे पहले फेंट कर देंगे कोई लावा को, क्योंकि स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है उसकी और ये बर्फ तो पड़ा करने वाली है ही। वैसे एक बार रोक लेंगे यहाँ पर हम रोक टूम और देखते हैं अब क्या फेंट होगा या नहीं। वैसे हो जाना चाहिए आपकी बार तो फेंट हुआ। ओके हो गया काफ़ी बढ़िया। ओके यहाँ पर नोरा का लेवल अप भी हो गया और ये रोड सीख रहा है। वैसे मैं रोड नहीं सीखना चाहता अभी, इतना कुछ खास मूव है नहीं है। तो देखते हैं उसका अगला पकवान कौन सा होगा अब। और यहाँ पर ये बर्फ से डैमेज पड़ रहा है इसे। ओके फियर आ रहा है अगला पकवान। वेल फ्यूर के अगेंस्ट यहाँ पर मैं अल्टर लॉरीवेटर यूज़ करते हैं। लॉरीवेटर के पास भी अच्छे खासे रोक टाइम मूव्स हैं। ओके वैसे फीमेल है ये, मैंने अभी भी देखा। वेल यहाँ पर हम करेंगे रोक स्लाइड, देखते हैं डैमेज इसका। ओके परस्यूट कर रहा है वो, इसके पास शायद लास्ट टाइम स्पीयर था और अब इसने इसे इवोल्व भी कर लिया। ओके मुझे लगता है ऐसे ही फेंट हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया। चलो अब की बार ही फेंट होगा। यहाँ पर चीप अवे करते हैं यहाँ पर हम। ओके एरियल एस। ओके यहाँ पर एक और पोकेमॉन फेंट हुआ इसका, और अब देखते हैं उसका तीसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। वैसे मुझे याद जहाँ तक याद है उसका अगला पोकेमॉन कौन सा हो सकता है, वैसे भूल भी गया उसके पोकेमॉन्स का। ओके लेवल अप हो गया मेरे सभी पोकेमॉन्स का। ओके डैमेज पड़ रहा है यहाँ पर। ओके अगला पोकेमॉन ओनिक्स, तो अगर ओनिक्स के यहाँ पर हम यूज करेंगे ग्रोवाइल का। ओके लेवल 18 है इसके ओनिक्स का यहाँ पर, और हम यहाँ पर यूज करेंगे मेगा ड्रेन। ओके फेंट हुआ काफी बढ़िया, हमने एक ही हिट में क्यों कर दिया उसे यहाँ पर। ओके लेवल अप भी हो गया यहाँ पर ग्रोवाइल का, ग्रोवाइल का लेवल काफी ज्यादा हो रहा है आजकल। ओके सेवल का लेवल अप हो यहाँ पर, और फेक आउट सीख रहा है फेक आउट। वैसे 40 ओके 40 एस के पावर, मैं यहाँ पर डिटेक्टर आने वाला हूँ अभी के लिए। ओके बर्फ से यहाँ पर ग्रोवल का डैमेज पड़ रहा है, और यहाँ पर अगला पकवान है बटरफ्री। वेल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेलो का, बिकॉज टेलो एक फ्लाइंग टाइप पकवान है और बटरफ्री के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। वैसे वो वैसे टेलो का भी बोल होता है यार, शायद ये 22 पर हुआ था जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, मैंने लास्ट टाइम इसे एक बार खेला था एक गेम में। ओके डैमेज काफ़ी अच्छा पड़ रहा है उसे। ओके पैरालाइज कर दिया उसने यार, और ये ऐसे ही फेंट होने वाला है। ओके थोड़ा सा रहता है बस एक एचपी पर, वो एक एचपी पर है बस, और यहाँ पर फेंट हुआ है। चलो फाइनल यहाँ पर हमने कैरन को एक और बार हरा दिया यहाँ पर, और लेवल अप भी हो गया यहाँ पर टेलो का, और एरियल ले सीख रही है, चलो काफ़ी बढ़िया। वेल एरियल और विंग अटैक की पावर एक जैसी होती है, तो यहाँ पर मैं विंग अटैक को हटाने वाला हूँ। चलो यहाँ पर नोरा का लेवल अप भी हो चुका है। सो फाइनली यहाँ पर हमने एक और बढ़ा दिया है कैरन को, और मुझे लगा वो लोग टेलो बट नहीं हुआ वो, दैट वॉज अ गुड बैटल। ओके अब ये कौन है? एडमायरिंग द स्टैचू नाउ वी आर। हे वेंस, ओके वेंस इसका नाम। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द स्टैचू? वी आर क्यूरियस अबाउट इट। येस ऑफकोर्स, इट्स द स्टैचू ऑफ द स्लम्बरिंग स्टार। इट्स एन एशियंट स्टैचू एटलीस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड। इट डिपिक्ट्स द मैजिकल पोकेमॉन जिराची, द विशमेगर पोकेमॉन। इट कैन grant wishes and sleeps for years, but it only awakens during these 7 days while the Millennium Comet is visible. Oh yeah, Jirachi. We actually met Jirachi earlier on Route 3. It was hurt, so we took it in for examination. Oh, so you did it. You did. That's great. Of course, it would be around these parts. Its hibernation spot is in Aniko Cave after all.
वॉज द मिलेनियम कॉमेट कॉमेट डिसअपियर्स जिराथी विल रिवर्ट टू इट्स हाइबरनेशन वंस मोर फॉर अनदर थाउजेंड ईयर्स इट शुड बी रिटर्न टू द केव वंस इट डज वाई इज इज दैट श्योरली द केव वॉन्ट मिस जिराथी राइट Actually, the very ground of Anikyo city is kept cold by the sustaining winds of Jirachi from thousands of years ago. They believe certain ice types were dying because of sudden climate change. An unknown trainer we call the Great Anikyo wished for Jirachi to keep this part of the region in a winter-like state, thus keeping the ice type Pokemon alive. Whoa, that's amazing. So, if Jirachi does not return to its sleeping spot, this whole area will thaw, okay? It has not been proven that locals of Anikyo have been returning Jirachi to the cave, wishing for another thousand years for permafrost, okay? Hear that, Andrew. Once Jirachi goes back into hibernation, we should return it to the cave for the Pokemon of Anikyo, of course. डिट समवन मेंशन जिराची ओके यहाँ पर कोई आ चुका है चलो यहाँ पर लैब असिस्टेंट आ चुका है यहाँ पर जिराची को लेकर आई कैंट बिलीव माई ओन आइज इट्स एक्चुअली जिराची बाई यूजिंग सम ऑफ इट्स पावर वी मैनेज टू हील इट्स फ्रोस्ट बाइट जिराची फील इन वॉटर बाई एक्सीडेंट जिराची इज सॉरी फॉर द ट्रबल ओके वो आई गो टू टेल माई हस्बैंड अबाउट दिस ओके मुझे लगा ये अंकल है और यार इज अ वुमन एक कैरन आई विल सी यू लेटर मुझे लगा ये अंकल है बट ये एक वुमन निकली वी केम हेयर टू सी इट सी इफ यू फाउंड आउट एनीथिंग अबाउट जिराची इट सीम्स जिराची विल गो बैक इनटू हाइबरनेशन सून सो वी शुड रिटर्न इट टू द एनिकियो केव बिफोर इट डज एंड्रू वी शुड हेड टू एनिकियो केव एंड लुक फॉर जिराची इज हाइबरनेटिंग स्पॉट ओके आई लीव जिराची विद यू गाइज ऑल राइट आई एम नॉट अ ट्रेनर सो आई कैंट गो इनटू एनिकियो केव विद यू बट गुड लक इन देयर So, whose party will Jirachi be joining? Let's have Jirachi decided. Jirachi likes both of you. Okay, yeah, my team. मतलब दोनों की टीम में तो आ नहीं सकता वैसे भी. We like you too, Jirachi, but you can join both our parties. You know what? Since you won our battle earlier, Andrew, I'll consider you more capable of taking in Jirachi to your party. Okay, तो यहाँ पर हम Jirachi को रखने वाले हैं. How about that, Jirachi? You are gonna stay with Andrew for a bit. ओके गाइस फाइनली हमारी टीम में एक नया पोकेमॉन आ चुका है वैसे आज टीम में तीन नए पोकेमॉन आए हैं ओके निक नेम मुझे नहीं देना इसे यहाँ पर मैं बैटल्स में भी यूज़ कर सकता हूँ इसका मतलब जिराची का अमेजिंग जिराची जॉइंड योर पार्टी वी शुड हेड टू एनिकियो केव थ्रू आई डोंट नो हाउ मच लॉन्गर जिराची विल स्टे अवेक फॉर आई गॉट अ गो हिल अप बट आई मीट यू एट द केव सी एंड्रू गुड बाय जिराची सो फाइनल यहाँ पर अब हमें जिराची मिल चुका है इस गेम का मतलब मेन पोकेमॉन और यहाँ से अब हमारा मेन जर्नी स्टार्ट होने वाली है इससे आगे हम अगली वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं और अगर आपसे मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी